नमस्कार। साई सन स्टडी जोन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम शिरडी के साई बाबा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को प्रणाम करते हैं, बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सच्चिदानंद सद्गुरु साई बाबा को सादर प्रणाम है। कल किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कौन है साईं, क्या वो मुस्लिम है? तो मैंने उससे कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी समुदाय, धर्म, कम्युनिटी बनाया गया है, ये सारी उपज जो है इंसान के दिमाग की है। ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया है, जो कि इस संसार की सबसे उत्तम कृति है, सर्वोत्तम कृति, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसके पास बुद्धि है, मस्तिष्क है, सोचने की क्षमता है, और इसके बलबूते वो संसार में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकता है। साईं बाबा कौन है, इसको परिभाषित करना, इसको व्यक्त करना बड़ा कठिन काम है। कोई उन्हें संत कहता है, कोई फकीर कहता है, कोई दत्तात्रेय जी का अवतार कहता है। साईं बाबा जी का अगर जीवन काल देखा जाए तो 1838 से लेकर 15 अक्टूबर 1918 तक का रहा है। उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो शिरडी गांव में बिताया है, जो अहमदनगर जिला के अंतर्गत आता है, राज्य महाराष्ट्र है। साईं बाबा एक बहुत ही साधारण दिखने वाले पुरुष थे, जिनका दिनचर्या शुरू होता था भगवान की भक्ति से, और सोते भी जब वो थे तो भगवान की भक्ति से। जंगलों में घूमना, कोई एक जगह पर ठिकाना ना होना, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कभी राम का, कभी अल्लाह का, कभी वाहे गुरु का, कभी ईसा मसीह का नाम लेना, लोगों की भलाई करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सब उनके लिए एक समान। पांच घरों से भिक्षा लाना, एक पुरानी मस्जिद में अपने जीवन को बिताना, सालों भर धूनी रमाना, यही उनका काम था। लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना, यही उन्होंने सीखा है और इसी की सीख भी उन्होंने दी है। साईं सच्चरित्र में एक बड़ा ही खूबसूरत प्रसंग आया है, जिसमें सन 1910 की बात की जाती है और बाबा जी द्वारका माई मस्जिद में बैठकर धूनी रमाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें लकड़ी डालते होते हैं। एकाएक जो है धूनी तेज प्रज्वलित होने लगती है, उसकी अग्नि ऊपर तक उठने लगती है और एकाएक बाबा जी अपना हाथ उसमें डाल देते हैं। वहाँ पर बैठे माधवराव देशपांडे, जिनको सामा भी कहा जाता था, उन्होंने कैसे कैसे करके जल्दी से उनका हाथ खींचा साईं बाबा जी का। तब तक उनका हाथ काफ़ी जल चुका था। लोगों ने बड़े आश्चर्य से बाबा जी का हाथ निकालाया, उसका मरहम पट्टी किया और सब लोगों ने उनसे पूछा कि देवा, आपने ऐसा क्यों किया? तो साईं बाबा जी ने कहा कि यहाँ पर कुछ दूरी पर एक लुहारिन भट्टी धोंक रही थी और कमर में अपने बच्चे को बांधी हुई थी, उसका छोटा सा बालक। तभी उसके पति ने उसको आवाज़ लगाई और वो इतनी तेज़ी में जाने के लिए तैयार हुई कि उसके कमर में बंधा हुआ शिशु बालक छूट गया और अग्नि में गिरने ही वाला था, लेकिन मैंने उसको अपने हाथों से बचा लिया है। ये थी साईं बाबा की लीला, साईं का करामात।
साई कौन है ये कह देते हैं लोग बड़े आसानी से, लेकिन साई को समझ पाना, साई के बताए हुए रास्तों पर चलना बड़ा ही कठिन काम होता है। मैं करीब करीब 5 वर्षों से ज़्यादा हो गया साई बाबा से जुड़ा हूँ और शिरडी जाता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ। अगर आप शिरडी जाएंगे तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि श्री साई प्रसादालय में 50,000 से 1,00,000 लोग तक प्रतिदिन भोजन करते हैं, और मुफ्त भोजन तो बराबर ही चलता रहता है। कभी कभी शुल्क लिया जाता है, वो भी बहुत कम शुल्क है उसका, मात्र 10 रुपये। अस्पताल की व्यवस्था, धर्मशाला की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था, कॉलेजेस की व्यवस्था, साईं टेंपल का बहुत बड़ा परिसर, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की अद्भुत व्यवस्था है, जिसको साईं बाबा जी अपने जीवन काल में नहीं रहने के बाद भी संचालित कर रहे हैं। साईं बाबा का ये कहना था कि मैं शरीर में नहीं रहने के बाद भी अपने भक्तों के साथ रहूँगा, उनकी मदद करूँगा, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं आने दूँगा। ये बात बाबा जी अभी भी निभा रहे हैं। लेकिन इस बात को महसूस वही लोग कर सकते हैं जिनके साथ बाबा जी का आशीर्वाद है, जो साईं के महत्व को समझ रहे हैं, जो साईं की कृपा को समझ रहे हैं, दूसरा कोई इसको समझ नहीं पाएगा। साईं का दरबार एक ऐसा दरबार है भारतवर्ष में, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, देसी विदेशी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, रिच पुअर, सब के लिए दरवाजे खुले हैं और बिल्कुल एक समान खुले हैं। सबको उतना ही प्यार मिलता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं तो सोचकर भी दंग रह जाता हूँ कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है, जगन्नाथ टेंपल ओडिशा, जहाँ पर मुस्लिम के प्रवेश पर रोक है। सऊदी अरबिया में जो हज यात्रा है, वहाँ पे हिंदू के प्रवेश पर रोक है। भगवान के दरबार में भी सबकी अनुमति नहीं होती है। ये कैसा सिस्टम है, ये कैसी सोच है लोगों की। बाबा जी 5 घड़ों से भिक्षा लाते थे, उसमें भी थोड़ा सा खाते थे, और उस भोजन में बिल्ली, पक्षी, कुत्ते सब खाते थे, सबका पेट भरने वाले साईं। साईं का ये सोच रहता था कि मेरे रहते मेरे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। साईं जब भोजन बनाते थे तो जिस पात्र में भोजन बनाते थे, जिस हांडी में, उसमें स्वयं अपने हाथों से वो भोजन को हिलाते थे और मिलाते थे, और अद्भुत नज़ारा ये था कि उनका हाथ भी नहीं जलता था और भोजन की कभी किसी को कमी भी नहीं रहती थी। एक पुरानी मस्जिद में जीवन गुजारने वाले साईं, एक ईटा को तकिया बनाकर सोने वाले साईं, हमेशा लोगों की भलाई करने वाले साईं की महिमा को वर्णन नहीं किया जा सकता है। साईं बाबा इतने महान हैं कि शब्द कम पड़ते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा पल आ जाता है कि हम बहुत क्राइसिस से गुजरते हैं और भगवान पर भरोसा कम होने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कोरोना पैंडेमिक में, लेकिन कहीं न कहीं बीच में बाबा ने मुझको ये एहसास दिलाया कि जिस तरह रात के बाद दिन होता है, दुख के बाद सुख होता है, ठीक उसी तरह ये समय भी कट जाएगा। और कट गया, बाबा जी की कृपा बनी हुई है। तो साईं एक ऐसा खूबसूरत शब्द है जो अगर आपके जीवन में जुड़ जाए, अगर आप उससे कनेक्ट हो जाएं, तो आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी, इस बात का दावा मैं कर सकता हूँ। तो साईं पे कमेंट करना बड़ा आसान है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन साईं को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है।
लोग इस बात में उलझे रह जाएंगे कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, उनका कभी भी भला नहीं होगा। और जिस दिन अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे, जिस दिन भलाई के मार्ग पर चलेंगे, जिस दिन सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, जिस दिन भगवान के मार्ग पर चलेंगे, उस दिन फिर उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वो भूल जाएंगे और सिर्फ उनको साईं ही नज़र आएंगे। ओम साईं राम। थैंक यू।